मुरादाबाद के थाना मझोला पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बाप बेटे सहित तीन ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो नकली नोटों से लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में 500 और 2000 के नोटों के कागज सहित अन्य सामान बरामद किया है। जनपद मुरादाबाद में लगातार मिल रही नकली नोटों की सूचना के बाद मुरादाबाद के पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देश पर मझोला पुलिस और इंटेलिजेंस की संयुक्त कार्रवाई के तहत मझोला क्षेत्र के प्रकाश नगर चौराहे से अनिल सक्सेना और गौरव सक्सेना सुनील गर्ग को उस समय गिरफ्तार किया जब ये लोग नकली नोटों की सप्लाई देने की तैयारी कर रहे थे। पकड़े गए दो व्यक्ति बाप बेटे हैं। पुलिस की पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये लोग 500 और 2000 के नोट साइज के कागज जिनके साथ ये लोगों के साथ जालसाजी करते हैं। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में नकली नोट के कागज सहित अन्य सामान भी बरामद किए हैं। मुरादाबाद पुलिस के अनुसार अनिल सक्सेना और उनका बेटा गौरव काफी समय से इस जालसाजी के धंधे में लगे हुए हैं। एसपी देहात उदय शंकर के अनुसार ये भोले भाले लोगों के साथ अपना शिकार बनाते हैं। कौन कौन से लिखे हैं नाम बताओ? मैंने लिखे थे पापा ने मेरा फोन करा था सर कि बाइक लेके आ जाओ, मैं इनकी बात हुई होगी। कितने पैसे हैं आप पे? किस आदमी से बात की? ये नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। इन्होंने मुझसे कहा नहीं था वो कौन है क्या है। हाँ। क्या पूछ के आ रहे हो? कितने पैसे? ये बोले कि बाकी मेरा कोई वो नहीं है। ठीक है, यार रखो। सर क्या मामला है? क्राइम ब्रांच मुरादाबाद और थाना मझोला की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना के आधार पर तीन अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ के दौरान जानकारी पर आया कि वो नकली नोट बनाने का कार्य कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके करते हैं और वो इस प्रकार से जनता के भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। कुछ सस्ते असली नोटों की एवज में उसका 2 गुना 3 गुना जैसा कि उनका सौदा पड़ जाए इस प्रकार से नकली नोट प्रचलन में ले आने का प्रयास करते हैं। पुलिस के द्वारा उनके कब्जे से नकली नोटों के इस्तेमाल में प्रयुक्त होने वाले पेपर्स, केमिकल्स, पाउडर्स और कुछ नकली नोट जो उनके द्वारा तैयार किए गए हैं वो बरामद किए गए हैं। सर क्या इससे पहले भी ये किसी को ठगी का शिकार बना चुके हैं? पूर्व में यह इसमें से एक व्यक्ति पूर्व में जेल जा चुके हैं। ये ठगी के पुराने अपराधी बताए जा रहे हैं और इनके सारी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तृत रूप से छानबीन की कार्यवाही जारी है। सर कोई इसमें स्टूडेंट भी है? सर स्टूडेंट इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनका एक बेटा है वो पढ़ने लिखने वाला, जिसको भी अभी ये उसको ट्रेन कर रहे हैं इस कृत्य में। तो ये दोनों बाप और बेटे दोनों, चूंकि तीन इन अभियुक्तों के द्वारा ये अपराध फॉर्जरी का चीटिंग का अपराध कारित किया गया है, अभी इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया। तो बाप बेटे भी गिरफ्तार हुए जी? बिल्कुल। किस तरह से ये ठगी करते थे सर? जैसा मैंने बताया कि नकली नोट तैयार करके और असली नोटों से एक्सचेंज करके ये अपना ठगी का ये धंधा चलाते थे। कितने नोट बरामद हुए इनके पास से? अब इसमें 80 कुल नोट की गड्डियां हैं जिसमें 500 और 2000 के नोट की शक्ल की 80 गड्डियां इसमें हैं। एग्जैक्ट संख्या लगभग इसमें अभी काउंट करके ये लोग बताएंगे। और क्या बरामद हुआ सर? तमंचा बरामद हुआ है इनके पास से, एक तमंचा 315 बोर व कारतूस, 500 और 2000 लंबाई चौड़ाई के बराबर के कागज की 80 गड्डियां, एक केमिकल से भरी प्लास्टिक की शीशी, 5 परख नली जिसमें 4 खाली व 1 भरी हुई है, सफेद कागज की गड्डियां जिनके कोने गुलाबी व हरे रंग से रंगे हुए हैं। इतनी चीजें इनके पास से बरामद हुई। कहीं और भी सप्लाई करते थे कि नोट सर? अभी तो ये लोकल में जानकारी में आया है, छानबीन के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इनके सप्लाई सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन लोग इनसे कनेक्टेड हैं और किस प्रकार से विस्तृत रूप से नेटवर्क को अपने फैलाने का कार्य कर रहे हैं या करने